हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शादाब ग्राफिक्स में। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आए थे, जिनमें ज्यादातर लोगों का ये सवाल था कि बिना एटीएम कार्ड के नेट बैंकिंग कैसे बनाते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से बिना एटीएम कार्ड के नेट बैंकिंग बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना एटीएम कार्ड के नेट बैंकिंग कैसे बनाते हैं, यह तो हम वीडियो में आगे जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम जानने वाले हैं कि पीएनबी की नेट बैंकिंग का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नेट बैंकिंग तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि नेट बैंकिंग का यूज करके पेमेंट ट्रांसफर कैसे करें, मोबाइल रिचार्ज और डिश रिचार्ज कैसे करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल और क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करें, QR पेमेंट कैसे करें, और सिर्फ इतना ही नहीं, बिना बैंक जाए चेकबुक ऑर्डर कैसे करें। इन सभी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने पीएनबी वन एप्लीकेशन में आ जाना है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग का एप्लीकेशन है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना 4 डिजिट का MPIN एंटर करना है, जो कि आपने अपनी नेट बैंकिंग की ID क्रिएट करते हुए बनाया था। MPIN को एंटर करने के बाद आप अपने पीएनबी वन एप्लीकेशन में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। अगर आपको अपना बैंक बैलेंस चेक करना है तो आप यहाँ पर सेविंग पर क्लिक करेंगे। अगर आपका करंट अकाउंट है तो आप यहाँ पर करंट पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर सेविंग अकाउंट है तो मैं यहाँ पर सेविंग्स पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितना भी बैलेंस आपके अकाउंट में अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड्स को बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसफ़र का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, इनमें से आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, रेगुलर ट्रांसफ़र्स पर। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सेल्फ, विद इन एंड अदर। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में कोई दूसरा अकाउंट है तो आप यहां पर सेल्फ पर क्लिक करके अपने उस दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड्स को बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जिसका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, तो आप यहां पर विद इन पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जिसका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में नहीं है, तो आप यहाँ पर अदर पर क्लिक करेंगे। जब आप अपने किसी फ्रेंड को फर्स्ट टाइम बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको यहाँ पर उसका अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। अकाउंट ऐड करने के लिए आप यहां पर सेलेक्ट पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको प्लस का आइकन शो होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको उस पर्सन की डिटेल फिल करनी है जिसको आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यहां पर निक नेम में आप उसका नाम डालेंगे जिस नाम से आप उसको जानते हैं। यहाँ नेम में आपको उसका वो नाम फिल करना है जो नाम उसका अकाउंट में है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका अकाउंट नंबर फिल करना है। कन्फर्म अकाउंट नंबर में भी उसका सेम अकाउंट नंबर फिल करेंगे। नीचे यहाँ पर IFSC कोड फिल करना है। उसके बाद आप उसका एड्रेस डालना चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना यह ज़रूरी नहीं है। लिमिट अमाउंट में आप यहाँ पर लिमिट डाल सकते हैं, जितना भी आप उसको डेली का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसकी लिमिट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ पर 10,000 डाल देते हैं तो आप उससे एक दिन में सिर्फ 10,000 का ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको वो लिमिट डाल देनी है जितना ट्रांजेक्शन आप उससे करना चाहते हैं। अब जितने भी ट्रांजेक्शन आप उससे दिन में करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स में डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आई हैव रीड, इस पर टिक करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्री कन्फर्मेशन का ऑप्शन आएगा, आपको फिर से ऐड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। या आप देख सकते हैं, सक्सेसफुली मेरा अकाउंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर आप दूसरा भी कोई अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड एनदर पे इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट पे पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अकाउंट मैंने यहाँ पर ऐड किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरीके से आप जितने भी अकाउंट यहाँ पर ऐड करेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जिस भी अकाउंट में आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, NEFT, RTGS और IMPS यूजिंग IFSC। आपको इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट रखना है, IMPS यूजिंग IFSC। उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना है, जितना भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और क्लिक करते के साथ ही उस अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा।
तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप किसी भी अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप किसी को QR कोड के ज़रिए पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्कैन एंड पे, आपको इस पर क्लिक करके QR कोड को स्कैन करना है और आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। जस्ट इसी के पास ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिया गया है बिल पे का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्विक पे पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यहीं से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं, D2H का बिल पे कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से कोई भी बिल पे कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर्स का या अपने किसी फ्रेंड का मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको उस पर्सन का मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस पर आप रिचार्ज करना चाहते हैं। अगर वो नंबर आपके मोबाइल फ़ोन में पहले से ही सेव है तो आपको यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने सारे कॉन्टैक्ट नंबर शो हो जाएंगे। जिस भी पर्सन को आपको रिचार्ज करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आप किसी का भी इजीली रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। अगर आप अपना ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर न्यू डेबिट कार्ड। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही आपका डेबिट कार्ड ऑर्डर हो जाएगा, वो आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप चेकबुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चेक्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है, यहाँ नंबर ऑफ चेक सेलेक्ट करने हैं। नीचे चार्ज अकाउंट में आप अगर 20 से ज़्यादा चेक सेलेक्ट करते हैं तो आपके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट किया जाएगा। उसके लिए आप यहाँ पर चार्ज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, जो भी अकाउंट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे उस अकाउंट से यहाँ पर आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 20 लीव सेलेक्ट करते हैं चेक की तो आपके अकाउंट से कोई भी बैलेंस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपकी चेकबुक ऑर्डर हो जाएगी और 15 से 20 दिन के अंदर ही आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। फ्रेंड्स, अगर आप बिना ATM कार्ड के पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने नजदीकी पंजाब नेशनल बैंक में जाना होगा। वहां पर आपको नेट बैंकिंग के लिए एक फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा, उसके बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बिना ATM के नेट बैंकिंग स्टार्ट करने के लिए। उम्मीद है इस वीडियो में आपको पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग के बहुत सारे नए फीचर्स की जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।